रहीम, आज हम मालूम करेंगे HCF ऑफ थ्री नंबर्स। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड 36, 60 और 72, ये तीन नंबर हैं, इनके हम फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। फैक्टर में सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर को देखें, अगर ये इवन नंबर है मीन्स 0, 2, 4, 6 या 8 है तो ये 2 की टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 6 है तो 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 8 से 16। फिर देखें, फिर 2 की टेबल से हो जाएगा क्योंकि 8 आ रहा है, 2 9 से 18। अब ऑड नंबर आ रहा है तो हम 3 की टेबल से देखते हैं। सबसे पहले हम छोटे नंबर से देखेंगे, 3 3 से 9, 3 फिर 3 की टेबल में आ जाएगा, 3 1 से 3। 60 के भी इसी तरह से फैक्टर मालूम कर लेते हैं, 0 आ रहा है तो 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 3 से 6 और 0 एज इट इज़ लिख लेंगे, 2 1 से 2, 2 5 से 10। सॉरी, अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर है, 3 5 से 15 और 5 1 से 5। 72 है, इवन नंबर है तो ये 2 से हो जाएगा कम्प्लीटली डिवाइड, 2 3 से 6, 2 6 से 12। फिर 2 से हो जाएगा, 6 इवन नंबर है, 2 1 से 2, 2 8 से 16। 8 भी हमारे पास इवन नंबर है तो फिर 2 से हो जाएगा, 2 9 से 18। 9 ऑड नंबर है, 3 की टेबल से हो जाएगा, 3 3 से 9 और 3 1 से 3। अब हम इस फैक्टर लिख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ 60 और फिर है हमारे पास फैक्टर ऑफ 72। 1 सब में कॉमन फैक्टर होगा, मल्टीप्लाई बाय 36 के हैं 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स 2 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पर देखें तो 3 टाइम्स 2 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनमें कॉमन देखते हैं, 1 हमारे पास कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, फिर से 2 कॉमन आ रहा है और फिर 3 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 1, 2, 2 और 3 ये हमारे पास कॉमन थे। कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट हमारे पास होती है HCF, तो HCF होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब इसी क्वेश्चन को हम डिवीजन मेथड से करते हैं। डिवीजन मेथड में हमें ख्याल रखना है सबसे छोटा नंबर इनमें से देखेंगे, 36 सबसे छोटा नंबर है, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अंदर हम 60 को ले लेते हैं। 36 का टेबल देखेंगे हम, इसमें हमें चाहिए 60, तो 36 1 से 36 लेंगे क्योंकि 2 पर हमारे पास ज़्यादा आ जाएगा नंबर। माइनस करेंगे, 10 में से 6 माइनस किया 4, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 24 हमारे पास आ रहा है। अब हम इस 24 को, ये रिमाइंडर है, इसे हम डिवाइजर की जगह पर लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 36 के साथ। 24 का टेबल पढ़ें, 24 1 से 24, माइनस करेंगे 6 में से 4 माइनस तो हमारे पास आएगा 2 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। अब हम
12 को एज डिवाइजर लेंगे और 24 को अंदर रखेंगे। ट्वेल्व टू से ट्वेंटी फोर, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब हमने अभी तक डिवाइड किया है 36 को 60 के साथ, अभी 72 रहता है। अब हम 72 को लेंगे और 72 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ। 12 का टेबल पढ़ें, 12 6 72 होता है, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लास्ट डिवाइजर जो है वो हमारे पास होता है HCF। HCF हमारे पास आ रहा है 12, ये इसका आंसर।